हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य कर्म में। जितने भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाला स्टूडेंट है उसके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो आपको बता दूं, इस चैनल के माध्यम से हर दिन आपको एक न्यू गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन दी जाती है जिसकी जानकारी आप तक नहीं पहुंच पाती। आज भी हम आपको लिए दोस्तों एक और नया जॉब लेकर आए हैं। इसके लिए अगर आप 10th पास हैं तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आपको न ही कोई एग्जाम देना पड़ेगा और न ही कोई इंटरव्यू देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको 15,000 पर मंथ यहाँ पर सैलरी देखने को मिलेगी। बस यार फॉर्म भरना है और यहाँ पर आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। चलिए दोस्तों, इस पोस्ट के बारे में आपको पूरे डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले यार, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज देर से लाइक से एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, डेली न्यू गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। बात करें दोस्तों आज की वैकेंसी आई कहाँ से है, तो आज की वैकेंसी आई है ईस्ट कोस्ट रेलवे से। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो यहाँ पर एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और एप्लीकेशन के लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पर 7 मार्च 2022 तक आपको फॉर्म भरना है। मतलब यार हरी अप गाइस, बहुत ही कम वक्त बचा है। आज है 6 मार्च, आपको कल ही तक इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद फीस पेमेंट के लास्ट डेट की बात करें तो वो भी 7 मार्च 2022 है। दोस्तों सबसे अच्छी खास बात है इस पोस्ट के लिए कि इसके लिए ना तो आपको कोई एग्जाम देना पड़ेगा और ना ही यहाँ पर कोई इंटरव्यू देखने को मिलेगा। बात करें एलिजिबिलिटी डिटेल की, एनी 10th पास कैंडिडेट विथ ITI सर्टिफिकेट कैन अप्लाई फॉर दियर रिलेटेड पोस्ट। यदि आपने 10th पास कर रखी है और आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाएगा, नो एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड फॉर दी पोस्ट। यहाँ पर अधिक जानकारी के लिए प्लीज यहाँ पर नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बात करें एप्लीकेशन फीस की, यहाँ पर जनरल OBC और EWS कैंडिडेट को 100 रुपए तक फीस देनी पड़ेगी। यहाँ पर ST SC और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर उन्हें कोई भी फीस नहीं देना पड़ेगा। और यहाँ पर PWBD कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर कोई भी फीस इन्हें भी नहीं देनी पड़ेगी। यहाँ पर बात करें एज लिमिट की, 7/3/2022 को यदि आपकी एज 15 साल से 24 साल के बीच में थी तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि यहां पर आपको एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगा। ST SC को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, वहीं पर OBC को भी यहां पर 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल सकता है। बात करें यहां पर सैलरी की, यहां पर सैलरी आपको 15,000 रुपए तक देखने को मिल सकती है। और यहां पर आपको साथ ही में स्किल इंडिया का सर्टिफिकेट भी देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये जो है परमानेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये एक अप्रेंटिस की जॉब है। और साथ ही साथ यहां पर आपको स्किल इंडिया की भी सर्टिफिकेट मिलेगा जो आपको किसी भी प्राइवेट जॉब को पाने में मदद करेगा। बात करें टोटल वैकेंसी की, यहां पर 756 पदों पर भर्ती आई है। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, यहां पर सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन एवरेज मार्क्स इन 10th क्लास प्लस ITI रिलेटेड ट्रेड। यहां पर आपका सिलेक्शन डिपेंड करेगा कि आपका एवरेज मार्क्स कितना है। यहां पर आपके 10th में एवरेज मार्क्स और ITI सर्टिफिकेट में जो एवरेज मार्क्स है उसके आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। यहां पर आपका जो मेरिट लिस्ट विल बी रिलीज्ड ऑन ऑफिशियल वेबसाइट, आपका जो मेरिट लिस्ट है दोस्तों वो ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया जाएगा। इन द फाइनल स्टेज आपको यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए प्लीज यहां पर पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। बात करें हाउ टू अप्लाई की, स्टेप 1 में डू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सेकेंड स्टेज में यहां पर आप पूरा फॉर्म कंप्लीट भर लीजिएगा। उसके बाद यहां पर थर्ड स्टेप में आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिएगा और साथ ही साथ फोर्थ स्टेप में टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन, यहां पर प्रिंट आउट करके रख लीजिएगा आप एप्लीकेशन फॉर्म का, ताकि फ्यूचर में यदि पड़े तो आप इसे उपयोग में ला सके। बात करें जॉब लोकेशन की तो वो है भुवनेश्वर। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यार कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज देर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। डेली न्यू गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।